इसमें इस सबको तोड़ के डाल देंगे। इसमें डाल देते हैं ये 3 हरी इलायची भी डाल देंगे। देखिए इसमें करीब आधा आधा कप के करीब डेट्स हैं ये भी डाल देंगे इसमें से। इसमें शुगर नहीं डालेंगे। इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। इस तरह का पिस गया, ऐसे ही चाहिए था हमें। देखो थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। ये 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। ऑयल लगा दिया है, कुछ मेवा डाल दी है इसमें। अब ये इस तरह का हो गया है, इसको हम निकाल के इसमें डाल देते हैं। ठंडा हो गया है, अब इसको फ्रीजर में रख देते हैं। देखिए फ्रीजर में रख देंगे कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। ये देखिए इस तरीके से इसको, सॉफ्ट और बहुत अच्छा है।